आएंगे हम लोग। फिर हमने बैठ गए हैं, बुक कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। और सब देखिए बाबू को कहीं कर रही है फेस बेटू बाहर के नहीं गोरी लगती। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए नई दिल्ली स्टेशन। चलो जैसे चलते हैं, शॉर्टकट है। हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, जाना है हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 8। हाँ हमारा जो कोच है B1 में गर्मी लग रहा है, हैं और पंखा भी चल रहा है देखो। मैंने बंद कर दिए हैं गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग का स्वागत है दोस्तों तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए सुबह के बज गए हैं 10 और 10 घड़ी में बज गए हैं करेक्ट। तो हम लोग का ट्रेन है 11:35 पे और कोमल ने लंच बॉक्स रास्ते के लिए तैयार कर दिया है और अभी रेडी नहीं हुई है। हम लोग को 10 बजे निकलना था, हम पे फटाक से रेडी हो जाओ 10 मिनट में। और सुबह का टाइम होता है तो दिल्ली में ट्रैफिक तो आम बात है, तो ट्रैफिक हर जगह लग जाता है। और फटाफट बेटू को भी रेडी करना है अभी। और बाकी मेरा तो भैया एक ही बैग रहता है, जल्दी जल्दी से जो हुआ हुआ। ये वाला मेरा एक बैग है डमरू वाला, डमरू है। बाकी ये बाबू बाबू उधर है। अरे कोई बात नहीं यार। तो गाइस जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को इन तक देखना। देखते हैं घर पहुंचते हैं कैसा क्या है माहौल है, कैसा तबीयत है। अभी फिर मम्मी का फ़ोन आया था, बोली इनकी मतलब इनसे पूछ रही थी निकली कि नहीं निकली, तो इससे उनको इंतजार है। सब रखे हुए हैं अपना हम तो हमको। चलो भाई होता है ना इंसान की अति भी होता है कि बहुत लोगों से मिलने का मन करता है, तो उनकी मम्मी भी इनसे मिलना चाहती हैं। बोली आ जाओ, हमको चलो ठीक है यार। तो चलते हैं यहाँ पे, हम सब कुछ रेडी हो गया है। लंच बॉक्स देखिए यहाँ पे सुबह सुबह उठ के इन्होंने रेडी कर दिया है। 1 2 3 लगा दिया है कुतुब मीनार और ये थोड़ा सा चावल फ्राई था अभी कर दिया है। हाँ हाँ फटाफट कर लो। बाबू आ जाओ, आप बाबू को भी रेडी करवाते हैं। ये देखिए वाकई में घूम रही हैं, पूड़ी खा रही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग। तो बने रहिए गाइस ब्लॉग में, आप निकलने के बाद मिलते हैं यहाँ से। और ब्लॉग शूट करने के तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम और लेट हो सकता है, तो चलिए बाहर निकल के मिलते हैं आप लोगों से। मैंने पर्दे वर्दे बंद कर दिए हैं और भगवान जिससे बात हो रहा हमने कर लिया, हम कैब भी कर लो यार क्योंकि घर से बाहर जा रहे हैं तो सब चीज़ ज़रूरी है। भगवान के भरोसे घर छोड़ के आते हैं ना। हाँ तो यही बात है, हमने कैब भी बुक कर दिया, कैब भी आ रहा है। बाबू को रेडी भी कर दिया है, हम निकलते हैं फटाफट यहाँ से। हो गया सब कुछ? चलो 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 फटाफट, सब काम हो रहा है। हम इधर लाइट वगैरह बंद कर देते हैं सब। तो फाइनली हम लोग कैब में बैठ गए हैं और निकल गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। बहुत गर्मी है यार, इस कुछ ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, भाग दौड़ की है। फटाफट पैक करो, तैयार हो, बैग लाओ और गाड़ी में बैठो, इसलिए और ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो अभी घड़ी बजे 10:22, 11:35 का ट्रेन है, पहुँचने में मैक्सिमम 35-40 मिनट लग जाएगा। तो सुबह का टाइम है, ट्रैफिक वगैरह लगे रहते हैं। और माई देखिए रेडी हो गई, नए नए टोपी, नए नए कपड़ा। बाबू को जल्दी जल्दी में रेडी भी नहीं हो पाई, बस कपड़े ही पहने हैं। वाइप क्लीन फेस क्लीन करने चल बेटा, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज है। चलो बाबू बाबू को थोड़ा सा वाइप्स कर दो रास्ते में ही। मिला? हाँ, क्या मिला? वाइप्स नहीं था, डायपर खत्म थे तो वो भी रास्ते में रुक के लेना पड़ा।
देखिए बाबू को क्लीन कर रही है फेस। बेटू बाहर के लिए गोरी लगती है ना, गोरी है ये है। काली है क्या? चोट लगा था क्या उसे? नहीं, यहाँ लगा था जब गिरी थी, कल गिर थी। तो अभी पहुंचे हम चिराग दिल्ली और तब तक बाबू का तो साफ नहीं करवाई, उसे भी तो अच्छा दिखना है। बाबू आपका क्रीम व्रीम बैग में, चलो लगाएंगे बाद में। चलो आराम से ट्रेन में बैठ जाने तब लगाना, ठीक है? अभी फेस क्लीन कर दो उसका बस। जादू तो पहुँच मिलते हैं हम स्टेशन पे। जादू एलियन लग रही है। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए नई दिल्ली स्टेशन। चलो जैसे चलते हैं, शॉर्टकट है। बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी भी है दबा के, फंस गए तो हम क्या करें, अभी गिर जाती तू। चलो बाबू टोपी लगा लिया, चलो उधर से, इधर से ये शॉर्टकट रास्ता, इधर से उधर जाओ, लाइन लगाओ, यहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग। एंट्री लिखा है? हाँ, एंट्री प्रवेश। बहुत ज्यादा गर्मी है, बाबू टोपी लगा के एकदम परी लग रही है। बाबू टूरिस्ट लग रही है ना? फॉरेनर लग रही है। तो चलो दोस्तों प्रवेश कर लेते हैं। क्या बोल रही है, कुछ कह रही है? हाँ। क्या कह रही? पापा मेरा तारीफ नहीं है। हाँ। चलो प्रवेश यहाँ कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं अंदर पहुँचने के बाद। हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, जाना है हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 8। हाँ हाँ, ट्रेन तो लग गई होगी यार। अरे बाप रे बाप। बेटू कहाँ जा रहे हो आप? बेटू कहाँ जा रहे हो? तो गाइस हम पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन आएगी। और ट्रेन लगने वाली है। यो चॉकलेट, चॉकलेट खाती नहीं है, बस ऐसे दिया है पकड़ने के लिए ताकि बच ही रहे अपना, बस बच ही रहे। पर बाबू का मन नहीं जाने का लग रहा है, इसलिए रो रही है। क्या हुआ बेटू को? ठीक है बस कुछ खाए नहीं, फिर थोड़ा समोसा लेते आए हैं और रोटी लेते हैं बाबू के लिए। और ये लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी जर्नी बाबू, हैप्पी जर्नी बेटू। बेटू तुम्हारी रो रही है, उसको भी अच्छा ही लग रहा है ना। तो चलिए यहाँ सफर बनाए रखिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।
बाय बाय। अब कुछ खा के अच्छा लग रहा है? अब हमको ना चाय चाहिए, पता है ना? कोई बात नहीं, कुछ खा लो, चाय पी तक। चलो बाय।